बढ़िया लगेगी 200%। ज़्यादा बड़ी तो नहीं लग रही ना? अब लगी है ना? अब लगी, हाँ से लगी। भैया कह रहे हैं बैगी तो मैं पहले। ये तो यहाँ आएगा मैडम, ये जगह पर आएगा। स्लीव्स खोलने नहीं है फिर, ये बंद ही रखे स्लीव्स। बढ़िया लग रही है, मैं तो कह रहा हूँ ले ले पक्का 200%। मस्त लगी, देखो भाई बता 200% बता दी मैंने। कितना अच्छा लग रहा है ऋतिक, ये कैसे लग रहा है? सही लग रहा है पक्का ना गाइस? तुम्हारे कहने पे ले रही हूँ मैं। या आई लाइक एक ये भी दिखाना, ये लो तो मैं लेके गई सेम पिछली बार। आओ ये तो बड़ा भी बहुत है इसके हिसाब से। आई लाइक इसके हिसाब से ठीक है। ये 1000 रुपया ये मेरी मम्मी के पास है ऐसा लॉन्ग में, वो ग्रीन और ब्लू अच्छे लगते हैं। पान मेरे जैसे दोस्त सबको दे। आए आए और इसका कलर निकल जाएगा, बच्चे पागल नहीं हो जाते चूड़ियां देख के? एक बार पूरा सेट पहन के देख लूं और फिर भाग जाइयो ना हाथ में पहन के। भैया ठीक है ये हाथ में पहनेगी और भाग जाएगी, फिर रोक लेना जो रोक सके। इधर देखना ऊपर, आज मैं लेकर आई हूँ एक पूरी हॉल वीडियो। मैं गई थी जनपद और मैंने वहां से की बहुत सारी शॉपिंग। इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी लो होगी गाइस बिकॉज मैं अपने फोन के फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे स्ट्रगल डेज चल रहे हैं जैसे कि आपको पता ही है। और मेरा जो ट्राईपॉड था ना स्ट्रगल डेज में और गरीबी में आटा गीला कैसे हो गया कि वो टूट गया गाइस, तो मैंने ना रिंग लाइट पे एक छोटा जो वो स्टिक होती है ना सेल्फी स्टिक उसको एडजस्ट करके फोन लगाया। और अगर मैं बैक कैमरे से शूट करती ना तो गिरने के भी चांसेस थे, और मतलब गिरने के चांसेस ऐसे थे क्योंकि बार बार मुझे देखना पड़ता जाके कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। फ्रंट से मुझे दिखता रहेगा रिकॉर्ड हो रहा है और मैं इजिली यहाँ से टच करके इसको पॉज कर सकती हूँ जब मैं चेंज करने जाऊंगी। सो यस गाइज, तो गाइज मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी जनपद से और उसमें से मैं क्या क्या लाई हूँ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहली चीज जो मैंने ली थी वो है ये कुर्ता, और ये पीच कलर का है। इसमें थोड़ा सा येलोइश लग रहा होगा बट दिस इज बहुत ही लाइट बेबी पिंक कलर का, और इस पे से यहाँ पे पूरे पे एम्ब्रॉयडरी है और स्लीव्स पे भी मिलेगी। तो नेक पे गाइस कुछ ऐसा वर्क है पूरे पे और स्लीव्स पे भी है, और इसकी लेंथ है सिर्फ और सिर्फ इतनी। तो ये एक शॉर्ट कुर्ती है, ये मुझे भैया ने बोली थी अराउंड 700 की, तो मैंने बार्गेनिंग करके लिया है 350 में। वो बहुत ज्यादा प्राइस बोलते हैं तो बार्गेनिंग आपको करनी होती है, बाकी मेरा ना मन नहीं मानता उन लोगों से बार्गेनिंग करने का बिकॉज मॉल में जाते हैं हम कुछ भी उठा लेते हैं जो भी प्राइस टैग होता है वहां, तो बार्गेनिंग नहीं करते। बट ठीक है स्टफ के अकॉर्डिंग फिर मन भी कर जाता है उनसे बार्गेनिंग करने का क्योंकि स्टफ इसका सही है। अब ये धुल के पता चलेगा, अभी तक मैंने वॉश नहीं कराया है बट मैं हैंड वॉश ही करूंगी इसको। मशीन में अगर हम वॉश करते हैं वॉशिंग मशीन में तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका कपड़ा श्रिंक हो जाए ज्यादा। सो यस मुझे तो बहुत सुंदर लगा और आज मैं इसको पहन के गई थी गाइस और काफी कॉम्प्लीमेंट भी मिल गए मुझे स्नैपचैट पे और सारे प्लेटफॉर्म्स पे, काजल आपने कहाँ से लिया है कुर्ता? सो या मुझे अच्छा लगा, आप लोग बताना कि तुम्हें कैसा लगा। अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें दूसरा कुर्ता। सो गाइस ये है दूसरा कुर्ता और ये यशवी और ऋतिक दोनों मेरे साथ गए थे तो उन दोनों ने चूज कराया है। मैं थोड़ी डाइसी थी इसमें कि यार अच्छा लग भी रहा है या नहीं, बट उन दोनों ने चूज कराया है और ये भी 350 का मिला है मुझे। ये भी भैया ने सेम 700-800 ऐसे बोला था, इसका प्रिंट कुछ ऐसा है, साइज बिल्कुल परफेक्ट है मैंने पहन के देखा है, और इसकी लेंथ इससे थोड़ी सी छोटी है। सी मैं फटाफट से चेंज करके तुम लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। गाइज इसकी फिटिंग कुछ ऐसी आई है और ये थोड़ा सा शॉर्ट है उस वाले कुर्ते से और थोड़ा सा लूज भी है, वो मुझे यहाँ से पूरा ऐसे फिटेड टाइट है पर ये थोड़ा लूज है तो मैं इसको टाइट कराना चाहूँ तो करा लूंगी, बट मुझे लूज फिटेड बहुत पसंद है कपड़े तो परफेक्ट है। तुम लोग बताओ कि 10 out of 10 तुम लोग मुझे देना चाहोगे इस कुर्ते के ऊपर। मुझे तो बहुत सुंदर लगा, अच्छा प्रिंट है, काफी अलग है और एस्थेटिक सा भी लग रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड कुर्ते की तरफ। गाइस कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है यार, जैसे हम नवरात्रि में ना इन कुर्तों को पहन के जा सकते हैं, जो गर्ल्स
बहुत तामझाम पहन के नहीं जाना चाहती, इसके साथ तुम लोग बहुत सारी सिल्वर ज्वेलरी ऐड कर लो भर भर के, और ये नॉर्मल कुर्ते पहन लो जीन्स के ऊपर ही, बहुत सही लुक देगा, मैं सच बता रही हूँ, क्लासी का क्लासी लगेगा, और तुम्हें तामझाम पहनने की नीड नहीं है। सी मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ट्रैवल में भी कितना ज्यादा कंफर्टेबल है। अब से ना मैं ये बहुत सारे कुर्ते लूंगी, अच्छी लग रही है, मैं ऐसे शॉर्ट कुर्तीज और लूंगी। ये क्या है इधर, मुझे लगा फटा हुआ है, टेप है गाइस। और ये भी 350 का ही दिया है गाइस, तो तीनों कुर्ते जो है मेरे वो 350 के ही है। सो यस, तुम लोग बताना है कैसा लग रहा है। इसके नीचे हम सलवार भी पहन सकते हैं, शॉर्ट कुर्ती इस पे पहनते हैं ना सलवार, तो वाइट सलवार वाइट दुपट्टा, तो वो भी अच्छा लगेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कुर्ते की तरफ। ऐसे शॉर्ट कुर्ती नहीं है, लॉन्ग कुर्ती, और ये मैं मम्मा के लिए लाई थी, पहनने को मैं भी पहन सकती हूँ, मैं भी लूज कुर्ते पहनती हूँ घर में पहनने के लिए, मम्मा पहन सकती है इसको। और ये एक कुर्ती मुझे उन्होंने 350 की दी है घर में पहनने के लिए, नॉर्मली जैसे मम्मा पार्क जाती है कुछ तो वो पहन के जा सकती है इसको। मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा था, आप लोग बताना कैसा है। ये तो मैं पहन के नहीं दिखाऊंगी बिकॉज ये मेरी फिटिंग का नहीं है गाइस। सो यस, मैंने दूसरा कुर्ता लिया मम्मा के लिए, वो था ये ऋतिक ने पसंद कराया था, उसको अच्छा लगा, उसने कहा ये ले लिया आंटी पे अच्छा लगेगा, तो मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा दोनों ही कुर्ते। ये भी मुझे बहुत सुंदर लग रहा है पिंक, दिस इज फॉर 350 ओनली। अब मैं दिखाती हूँ कि मैं शर्ट्स भी लाई हूँ जनपद से, तो वो कैसी निकलती हैं, लेट्स सी। और मैंने पहन के भी नहीं देखे, तुम लोगों के आगे देखूंगी। उसमें से एक शर्ट तो बहुत बड़ी है, उसका मुझे इतना डाउट हो रहा था ना कैसे आएगी कैसे आएगी, बट जब मैंने एक बार जारा से अपनी एक वाइट शर्ट ली थी ना, तो वो भी मैंने एक्सेल ली थी, क्योंकि मुझे बैगी लूज शर्ट्स बहुत पसंद है, तो ऋतिक और मुझे लगा शायद मुझे आ सकती है, बट लेट्स सी। तो ये शर्ट है गाइस वो ब्लैक कलर की, और ये इतनी बड़ी है सी, बट ज्यादा बड़ी नहीं लग रही। और ये मुझे भैया ने बोली थी 800 की, पर इसमें मैं लूट गई गाइस थोड़ा, क्योंकि उन्होंने 400 की दी, उससे नीचे वो बार्गेनिंग कर ही नहीं रहे थे, 400 आ गए थे, पर मुझे लग रहा था अगर मैं थोड़ा और करती ना हो जाता, पर फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो 400 बहुत है, तो ये 400 की मिली है। पर इसका कपड़ा बहुत सही है, थिक है, विंटर्स में तो सही चलेगा, तो इसको पहन के देखते हैं ये कैसी लग रही है कैसी नहीं। सो गाइज दिस इज ह्यूज, अगर मैं स्लीव्स ऊपर ना करूं तो स्लीव्स इतनी बड़ी है नीचे, और शर्ट पूरी ऐसी है इतनी ढीली, बट मैं जैसे इसको पहनती हूँ तो मैं इसको ऐसे वेयर करूंगी यहाँ पे ऐसे टकिंग करके, और आगे से और अच्छे से, और ये ऊपर लाइक दिस। इसके साथ हम बहुत सारी गोल्डन ज्वेलरीज भी पहन सकते हैं ताकि और अच्छा लुक आए, बाकी मुझे तो बहुत बहुत सही लगी। और हम एक साइड से भी ऐसे निकाल के पहन सकते हैं, मुझे क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होती इतने बैगी कपड़ों में, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ढीले डाले कपड़े, और अच्छी लग रही है यार विंटर्स में तो और भी अच्छी लगेगी। स्लीव्स बस थोड़ी सी ज्यादा ढीली है, अगर ऑल्टर कराना चाहूँ मैं करा सकती हूँ, बट 400 रुपीज में इतनी अच्छी क्वालिटी की शर्ट मिलना इज अ डील। सो यस, हम बढ़ते अपनी सेकेंड शर्ट की तरफ। ये मुझे सबसे सस्ती मिली है सिर्फ 200 रुपीज की, ये भैया ने 700 की बोली थी तो मैंने 200 में लगवा ली थी जैसे तैसे, नहीं 300 200 नहीं 300, ये 300 की है। इसका कलर बहुत अच्छा लगा था मुझे, और मुझे शर्ट्स बहुत पसंद है और बहुत बहुत ज्यादा। सो अब हम इसको ही पहन के देखते हैं, और लेट्स सी कि कैसी आती है कैसी नहीं। सो गाइज ये है पूरी फिट प्रॉपर, और ये ना लंबी है ना कुछ, और स्लीव्स भी ठीक है, बाकी मुझे ये शर्ट ज्यादा बेटर लगी, बाकी ये शर्ट काफी अच्छी लग रही है, कूल सी लग रही है काफी, बहुत अच्छी लग रही है, और 300 की है तो इट्स अ डील इटसेल्फ। ये भी अच्छी डिस्काउंट पे मिल गई जनपद पे, तुम्हें अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगी, थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, तो बार्गेनिंग थोड़ी सी करनी पड़ती है आपको, पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि स्टफ इतना हाई क्वालिटी नहीं होता तो बार्गेनिंग थोड़ी बहुत चलती है, क्योंकि वो प्राइस बिल्कुल हाई क्वालिटी वाला बताते हैं। वैसे दोनों शर्ट्स पे मैंगो का टैग लगा हुआ है, बट ऑब्वियसली मैंगो की नहीं है यार। तो यस गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, अगर तुम्हें जनपद हॉल अच्छा लगा होगा तो मैं दूसरा सरोजनी हॉल लेके आऊंगी विंटर्स एडिशन, बिकॉज विंटर्स आने वाली हैं, तो अभी से ही फटाफट चलते हैं सरोजनी नगर और ढूंढ के लाते हैं कि क्या क्या है, क्योंकि जब हम जाएंगे अगर हम लेट हो गए उससे पहले सब लोग लेके निकल लेंगे सब कुछ, तो हम पहले पहुंचेंगे ताकि मैं अपने व्यूवर्स को पहले दिखा पाऊँ कि सरोजनी में क्या क्या मिल रहा है फॉर विंटर्स। सो यस, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, बाकी कैसे लगे मेरे सारे कपड़े वो भी कमेंट करके बता देना। और अब नेक्स्ट वीडियो आएगी सीधा नवरात्रि के ऊपर, थोड़ा नवरात्रि लुक्स करेंगे या कुछ मेकअप करेंगे ट्राई, कुछ नया करूंगी जो हमेशा से करती हूँ, न्यूड मेकअप बेसिक मेकअप वो नहीं होगा, कुछ अलग ट्राई करूंगी। बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।